लुधियाना के लोग हैरान थे मंच पर देखकर, अरे ये साहिर लुधियानवी कहाँ से आ गए? और यही नहीं, मंच पर ही दिखे अमृता प्रीतम, पंजाबी की जानी मानी कवित्री। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक मुलाकात नाटक का मंचन था, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे शेखर सुमन और दीप्ति नवल। लुधियाना सांस्कृतिक समागम का यह नाटक अति उत्तम रहा और एक बार तो दर्शक बैठे मंत्रमुग्ध ही हो गए। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਲਤੀ ਦੇਖਾ देखा हमारा रिश्ता। अमृता, तुम एक धूल का टुकड़ा हो जो मेरे दिल में उतरता ही था। पर सच में ऐसा क्या था मुझमें जो तुमने इस कदर दिल की गहराई में खींचा? कब से प्यार को डिफाइन करने लगी? ऐसे मेरी नजरों से देखोगे तो समझोगे कि जिसकी उंगलियां जब भी दिल प्यार में कुछ लिखती हैं तो तुम्हारा ही नाम होता है। सारे सारे और इमरोज, इमरोज का तुम्हारी जिंदगी में क्या होना? सपनों की चोटी पर पांव ज्यादा देर नहीं टिक सकते। बैठने के लिए एक समतल जमीन की जरूरत होती है। रोज मेरे लिए एक शांत और सुनहरी सुबह की तरह है, जिसके होने से मेरे वजूद को एक ठहराव मिलता है। यूं समझना कि मेरी जमीन है। तेरी तरफ से न दौड़ता था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया। ये जानकर तुझे क्या जाने कितना गम पहुंचे कि आज तेरे ख्यालों में खो गया। किसी की होकर तू इस तरह घर आई कि जैसे फिर कभी आए तो घर मिले न मिले, नजर उठाई मगर इस बेयकीनी से कि जिस तरह कोई पेशे नजर मिले न मिले। तुम मुस्कुराए मगर मुस्कुरा के रुक सी गई कि मुस्कुराने से गम की खबर मिले न मिले। रुकी तो ऐसे कि जैसे तेरी रियाजत को अब इस समर से ज्यादा समर मिले न मिले। गई तो सोग में डूबे कदम ये कह के गए सफर है शब्द शरीके सफर मिले। तो कुछ और निकल नजरों को बहक जाए, जुल्फों को बिखर जाए, कुछ देर की ही तस्कीन सही, कुछ देर का ही आराम सही। जज्बात की कलियां चुनना है और प्यार का तोहफा देना है। लोगों की निगाहें कुछ भी कहें, लोगों से हम क्या कहें? ये खास ताल्लुक आपस का, ये खास ताल्लुक आपस का दुनिया की नजर में आम सही। रुसवाई के डर से घबरा के हम तरके वफा कब करते हैं, जिस दिल को बसा ले पहलू में उस दिल को जुदा कब करते हैं।
जो हशर हुआ है लाखों का, अपना भी वही अंजाम सही, मुझ पर कई इल्जाम, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही, ये हुस्न तेरा ये इश्क मेरा, रंगीन पर बदनाम सही। लगभग एक घंटा और 20 मिनट तक सभी दर्शक अपनी सांस रोक के देखते रहे नाटक को, और बीच बीच में शेखर सुमन और दीप्ति नवल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ साहिर और अमृता प्रीतम की कविताओं को गाया, गुनगुनाया और पेश किया, और सारा माहौल तालियों से गूंजता रहा। और जैसे ही नाटक ख़त्म हुआ, लुधियाना के स्पॉन्सर्स और डिप्टी कमिश्नर लुधियाना प्रदीप अग्रवाल ने आए हुए दोनों ही मेहमान स्टार कलाकारों को फूलों के गुलदस्तों के साथ सम्मानित किया, और सभी मेहमानों को बुलाने की मुख्य भूमिका निभाते रहे LSS के प्रमुख संयोजक SK राय। जैसे तुझको बनाया गया वक्त वहीं थम जाए और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इतने करीब बैठकर तुम्हारी छाती पर विक्स लगा करूं। ये जज्बा तो सिर्फ एक औरत का ही हो सकता है, राइटर का नहीं। जो बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे अजीब से। अजीब लग रही हूँ? हाँ, जिस साहिर को मैं जानती हूँ उसने तो रिश्तों में सिर्फ तलखियां और तन्हाइयां ढूंढी, लेकिन ये साहिर जो मेरे सामने बैठा है ये इसे मैं नहीं पहचानती। ये वो साहिर नहीं है जिसने कभी कहा था मेरे माजी को अंधेरों में ही दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। गिरेबान सी लिया मोहब्बत तल्ख की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो जहर ये भी पी लिया। उन्हें अपना नहीं सकता, उन्हें अपना नहीं सकता, मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया। सोच रहे हैं कि जो हमने पैसे दिए शायद वापस कर दें। थैंक यू सो मच भाई, शुभ सुबह रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पधारने का। हम सोच रहे थे कि आप तो पहले क्यों नहीं आ पाए। ये प्रोग्राम जो आपका रहा, शायद जितने भी प्रोग्राम हमने किए उनमें जो सबसे अच्छे प्रोग्राम थे उनमें से एक है। मैं पहले भी कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे इस तरह से देख चुका हूँ, कई सारे प्ले भी पहले देखे हैं यहाँ पे हमने, और आज का प्ले भी आप सब जानते हैं थोड़ी देर पहले देखा है। वंडरफुल परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा था कि जिस तरह से डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, मेरे हाथ में अगर किताब भी हो और मैं देख के भी बोलूं तब भी इतने अच्छे डायलॉग्स बोले। क्या बात है। मैंने जिस तरह से पंजाबी की पोइट्री की, आई थिंक मैम दो पंजाबी हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट अपना लाइफ में इन्होंने मुंबई वगैरह में गुजारा है,
उसके बावजूद कितनी अच्छी पंजाबी पोइट्री होने की। मैं इनकी मैंने एक मूवी देखी थी किसी से ना कहना और फिर सबसे मजेदार तो इस कार्यक्रम की शाम का आखिरी हिस्सा था जब मंच पर खुद ही दोनों स्टार कलाकार पहुंच गए और जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने उनको घेर रखा था। कोई फूल भेंट कर रहा था, कोई सेल्फी खिंचा रहा था और कोई अपनी दिल के भावनाओं को प्रकट कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने फैंस को निराश नहीं किया, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया और उनके सम्मान को ग्रहण किया। और फिर वो जुदा हुए उन सभी फैंस के साथ किए इस वायदे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए नाटक के साथ शेखर सुमन और दीप्ति नवल का यहाँ आना होगा। और सभी लुधियाना के लोगों का यही कहना था कि अब फिर इंतज़ार रहेगा इस किस्म के बेहद उम्दा क्वालिटी के नाटक और बेहद उम्दा क्वालिटी की एक्टिंग को देखने का, जिसको शेखर सुमन और दीप्ति नवल बखूबी के साथ कर गए। लव सिद्धू के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। रिएक्शन अलग होते हैं, इनका मिजाज अलग होता है, पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हौसला अफजाई करने के लिए और लोगों ने इस प्ले को सराहा, इसकी प्रशंसा की, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत हिम्मत मिलती है अगले शो के लिए जो कल हम कर रहे हैं दिल्ली में परफॉर्म। और अभी तक कोई 80-85 शोज हम लोगों ने कर लिए हैं। सो यू नो, हमने जब शुरुआत की तो हमें मालूम नहीं था कि ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, पर ये प्यार मिलता जा रहा है लोग, और बल्कि जब शुरुआत की थी तो मेरे दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल था कि लोग साहिर को या अमृता को समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज ज़माना जो है उस तहजीब से ही कट गया, जबान से निकल गया है, वो उन इमोशन से निकल गया है, तो उसको फिर उससे कनेक्ट करना, उसको सराहना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सो वी रियली थैंकफुल टू दी ऑडियंस को। सर एक बहुत बड़ा आज भरम लग रहा था कि स्टेज के ऊपर शेखर सुमन है या फिर साहिर लुधियानवी। आई थिंक इससे बेहतर और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता। और कई शहरों में जब मैंने परफॉर्म किया वो जब ये कहते हैं आके कि हमें लगा कि साहिर साहब शायद ऐसे ही रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो उन्हें ऐसे रहना चाहिए था, और हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साहिर साहब थे। आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती है जब किरदार उससे आगे निकल जाता है। एक एक्टर की सबसे बड़ी वो पहचान है जब वो अपनी शख्सियत उसके पीछे हो जाए और वो किरदार जो अदा कर रहा है वही लोगों को दिखाई दे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि साहिर को प्ले करना आसान नहीं है और सबके बस की बात भी नहीं है, और शायद इतने खुशकिस्मत भी लोग नहीं हैं कि उनको साहिर निभाने का मौका मिले। मैं तो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया 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 कहता हूँ। धन्यवाद सर, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी लुधियाना में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मुझे ऐसी ऑडियंस मिली जहाँ मैं अमृता जी की पोएट्री पंजाबी में बोलती हूँ और ऑडियंस में हर एक को समझ में आई होगी। सो आई एम वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। और ये कैरेक्टर मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं उनको जानती थी और मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रिविलेज अपने आप को फील करती हूँ कि मैं उनको प्ले कर पाती हूँ। थैंक यू। मैं उनको एडमायर करती थी तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उनको प्ले कर रही हूँ।